चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनाब प्रोडक्ट हंटिंग। ठीक है, एक तो सिस्टम ये है दराज पे सेल करने का या किसी भी प्लेटफॉर्म पे सेल करने का कि मेरे पास प्रोडक्ट्स है, मेरे पास ऑलरेडी मेरी कोई शॉप है, मैं उसी की प्रोडक्ट उठाऊंगा आगे दराज में लिस्टिंग कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई जनरल स्टोर है, मैं उधर से जितने भी मेरे प्रोडक्ट्स हैं 10, 20, 100, 150 जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो ऑलरेडी मैं उधर सेल कर रहा हूँ, उसी को मैं उठाऊंगा आगे दराज में लिस्टिंग कर दूंगा। ठीक है, मेरा कॉस्मेटिक का स्टोर है, मेरा किसी भी आइटम का स्टोर है, आपका अपना है, आपके वाले साहब का है, आपके भाई का है, आपके सिस्टर का है, जिसका भी है, कजन का है, व्हाटएवर, आप उसे डीलिंग कर ले, ये आपकी जो प्रोडक्ट्स है मैं अपनी शॉप पे लगा सकता हूँ। करना क्या होगा, जैसे आप मुझे प्रोडक्ट की होलसेल प्राइस बताएंगे और अवेलेबिलिटी बताएंगे जी ये मेरे पास रेगुलर अवेलेबल होता है, अगर नहीं अवेलेबल होता तो आप मुझे बता देंगे जी ये कितने महीने प्रोडक्ट रहती है या व्हाटएवर। ठीक है, उसी की प्रोडक्ट उससे लिंक अप कर ले, प्रोडक्ट उठाए, इमेजेस बनाए, उससे होलसेल रेट ले और आगे दराज पे लिस्टिंग करते। और अगर सर वो मतलब ना मुझे उस पर प्रॉफिट ना होता तो फिर भी हम अपनी लिस्टिंग कर सकते क्योंकि उसकी प्रोडक्ट बिक रही है, ये भी एक बिजनेस होगा। बिल्कुल, उसकी प्रोडक्ट बिक रही है, आप उससे कर लेंगे, अब उससे कि मैं तुम्हारी प्रोडक्ट बेचूंगा, मुझे एक प्रोडक्ट की चीज में परसेंट दे रहा हूँ। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। अगर आप कह लेंगे आप नहीं उससे लेना चाहिए तो आप रीसेल उसकी प्रोडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपका एक तो लिस्टिंग क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, और आपका अपना प्रॉफिट नहीं हो रहा तो कम अज कम आपके भाई का या आपके सिस्टर का जिसकी भी शॉप होगी उसकी प्रोडक्ट अल्टीमेटली सेल होगी। ठीक है, क्योंकि उसमें हमारा काम भी चल रहा है, आपका काम भी चल रहा है। कुछ आप अगर ऐसा कर लेंगे, आप कहेंगे जी पर सेल आपकी प्रोडक्ट सेल होगी, मैं आपसे 20 रुपीज पर प्रोडक्ट मुझे चाहिए, पर सेल में आपसे 20 रुपए लूंगा, पर सेल में आपसे 50 रुपए लूंगा, पर सेल में आपसे 100 रुपए लूंगा, जो भी आपकी डीलिंग होती है। आपसे नहीं करना चाहते इट्स अप टू यू, करना चाहते हैं तो ये अलग है। अब उसकी फॉर एग्जाम्पल महीने में 100 प्रोडक्ट सेल होती है तो पर प्रोडक्ट आपको 20 मिलता है तो ये आपका 2000 एक लंग सम बन जाएगा। ठीक है, आप कुछ भी नहीं आपने किया, उसकी प्रोडक्ट पकड़ी, इमेज इधर लिस्टिंग कर दिया, दैट्स इट, आपने ना इन्वेस्टमेंट की ना तो प्रमोट किया, एक दफा अपलोड कर देना, दैट्स इट। अभी मुझे कॉल आई राइडर की, मैंने उसको कहा प्रोडक्ट पार्सल रेडी है पिक कर, मैं इधर अवेलेबल हूँ, आपके पास काम मेरा चल रहा है, ऑनलाइन मार्केट का मतलब ये। ठीक है, मैंने प्रोडक्ट अपलोड कर दिया, एक दफा सारी उम्र चल गई, जस्ट अवेलेबिलिटी होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, अब वो आएगा मेरी लोकेशन से पार्सल पिक करेगा, वो चले जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कल ऑर्डर आएंगे, परसों ऑर्डर आएंगे, सो ऑन आते रहेंगे। ठीक है, ये आपका जितना भी आप परसेंटेज डिसाइड करेंगे उतना आपको अर्निंग हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि हमारा कोई स्टोर नहीं है या हम किसी से लिंक नहीं कर सकते, तो हमने हर सिनेरियो सीखना, बाद में हम जिसमें भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं इट्स अप टू अस। ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, आते हैं हम दराज पे, इसमें कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उसको पहले लर्न करते हैं। शुरू कर दिया, फ्लॉप हो जाऊंगा। सबसे पहले हमने प्लानिंग करनी है कि जी
जैसे हम लोकल मार्केट खोलते हैं, डिमांड किस चीज की ज्यादा? बिल्कुल, डिमांड किस चीज की ज्यादा। लोकल मार्केट में मैं काम शुरू करने लगता हूँ, सबसे पहले हम एक एनालिसिस करते हैं कि जी ये मार्केट इस बिजनेस के लिए ठीक भी है कि नहीं। मैं किसी और जगह शिफ्ट करूँ, कहीं इधर ही ओपन कर लूँ, ठीक है। तो हम हंटिंग करने लगे हैं, उस प्रोडक्ट को सर्च करने लगे हैं जो कि हम समझते हैं कि इसकी इतनी सेल है, ये इतनी सेल हो सकती है, दूसरा सेलर कह रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ठीक है। वो 150 भी कह रहे हैं, 145 कॉम्पिटिशन देके उसको कह रहे हैं, जिसको हम प्रोडक्ट हंटिंग कहते हैं। जो आप कह रहे हैं कि प्रोडक्ट किधर से लेंगे या क्या है, वो सोर्सिंग है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। अब इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस है हमारे पास। फर्स्ट है जी, प्रोडक्ट प्राइस शुड बी 100 to 500। मैं न्यू सेलर हूँ, स्टार्ट में मुझे चाहिए मैं ऐसे प्रोडक्ट को चूज करूँ जिसकी प्राइस 100 से 500 तक हो, ठीक है। इसी ऊपर हमने नहीं जाना स्टार्ट करें, ये हंटिंग में आएगा। कुछ प्रोडक्ट मैंने ऐसी ले ली है उसकी प्राइस 100 से 500 के दरमियान हो, कि फॉर एग्जाम्पल मैं बड़ी प्रोडक्ट में चूज कर लूँ कि इनकेस मुझे लॉस होता है तो मेरी प्रोडक्ट मुझे अच्छा खासा लॉस हो जाएगा। इस ब्रैकेट में रहते हुए हमने काम करना है इन स्टार्ट, बाद में जिसमें मर्जी करें, ठीक है। क्योंकि हम फ्रेशर है, न्यू भी है, हमें इतना रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, सेकंड पॉइंट पे आते हैं। फर्स्ट क्लियर हो गया, सिंपल सी है। प्रोडक्ट रिव्यूज मस्ट बी एट लीस्ट 90। जब हम दराज के स्टोर पे जाते हैं उधर हमारे पास नीचे रिव्यूज आ रहे होते हैं, ठीक है। उसके रिव्यूज, ऐसी प्रोडक्ट हम हंट करेंगे जब दराज पे हम हंट करेंगे तो उसके रिव्यूज कम से कम 90 होने चाहिए, ठीक है। इसकी मैं एग्जांपल दूं आपको, आ जाएंगे दराज पर, सर्च बार में मैंने लिखा, कोई भी आइटम लिख दी, मैं फ्लैश ड्राइव लिखता हूँ, मींस यूएसबी, ये देखें ये प्रोडक्ट पड़ी है जी सैमसंग की, एक यूएसबी है, ठीक है, नजर आ रहा है सबको। यूएसपी है सैमसंग की, 449 रुपीज में, और रिव्यूज देखें इसके, इनको रिव्यूज कहते हैं, 5 star, 1 star, 2 star, 3 star, इसको 4.7 star मिले हुए, ठीक है। सारी रेटिंग की है, जब हम अपनी प्रोडक्ट लाएंगे जैसे सर्च किया इसके नीचे ये रेटिंग है, टॉप रिव्यू दराज ने इसको कह दिया, ठीक है, टॉप रिव्यू प्रोडक्ट है, दराज ने इसको रेकमेंड किया हुआ। अब इसके रिव्यूज 873 है, मीन्स कि हम इस प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं, ये इसकी बात हो रही है जो कि हमने पॉइंट सर्च किया था। इस प्रोडक्ट में हम काम कर सकते हैं, ठीक है। अब वो प्रोडक्ट जो फ्लैश ड्राइव थी उस पे हम काम कर सकते हैं, इट्स गुड फॉर अस, मींस सेल होने वाली प्रोडक्ट है, अच्छी प्रोडक्ट है। थर्ड बार इस प्रोडक्ट रेटिंग मोर देन 4। प्रोडक्ट रेटिंग क्या है, वो जो स्टार आ रहे थे 5 star आ रहे थे उसके ऊपर, इसमें क्या है एटलीस्ट 4 star हो तो प्रोडक्ट एक अच्छी है, हम उसको उसके ऊपर काम कर सकते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट वन 100 to 500 के दरमियान लाइक करनी चाहिए, सेकंड वन प्रोडक्ट रिव्यूज मस्ट बी एटलीस्ट 90, लोगों ने उसको कम अज कम 90 बंदों ने कहा हो जी प्रोडक्ट अच्छी, ठीक है। थर्ड वन इज प्रोडक्ट रेटिंग फ्रॉम मोर देन 4, जैसा कि हमने प्रोडक्ट देखी है उसकी रेटिंग 4.8 समथिंग, ठीक हो गया क्लियर। थर्ड फोर्थ में आते हैं, नो वेरिएशन एट स्टार्ट। वेरिएशन किसे कहते हैं जी, वेरिएशन कहते हैं, मतलब एक प्रोडक्ट की डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसी प्रोडक्ट में आता हूँ, इसमें कह रहा है 16 GB वाली भी है, 32 GB वाली भी है और 16 GB वाली भी, 64, 16 और 32, ये प्रोडक्ट वेरिएशन इसमें दे रखी है,
हमने ऐसी प्रोडक्ट चूज करनी है जिसकी वेरिएशन ना होती है, स्टार्ट लेटर ऑन जो मर्जी करें, जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं जैसे मर्जी खेले, स्टार्ट में हमने क्या करना है वेरिएशन वाली प्रोडक्ट चूज नहीं करनी। क्या मकसद है इसका, मतलब इसकी बहुत ज्यादा, जैसे मैंने जो एक प्रोडक्ट चूज किया है ठीक है, उसके रिलेटेड बहुत ज्यादा और चीजें ना हो, लाइक जैसे कि हो सकता है उसमें कोई कम रेट पे भी आपको मिल जाए चीज किसी कस्टमर को, और लेकिन आपकी प्रोडक्ट अच्छी हो लेकिन कस्टमर को कहीं और से दूसरी प्रोडक्ट किसी और लेवल उसी लेवल की कहीं और सस्ती भी मिल रही है। इस चीज से हमें अवॉइड करना चाहिए, हम ऐसी चीज रखेंगे जो बहुत ओपन ना हो लेकिन उसकी डिमांड भी हो। ठीक है, और क्या कहना चाहिए? ये तो वेरिएशन तो ये ना कि ये तो जीपीस है ना, तो ये तो इसकी वेरिएशन ठीक है, मतलब लोग अगर सर्च करते हैं वेरिएशन का मतलब ये है ना कि डिफरेंट वेरिएशन है, इसमें 16 GB वाले भी है, 32 GB वाले भी है, 64 वाले भी। ठीक है, मैं अभी कहना चाह रहा हूँ कि हमें इसमें काम नहीं करना। ओके, जिस प्रोडक्ट में वेरिएशन आ जाए उसमें काम नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सूट है, एक प्रोडक्ट है, उसमें आ जाएगा व्हाइट कलर भी होगा, येलो भी होगा, पर्पल भी होगा, ऐसी प्रोडक्ट मैंने काम नहीं करना। क्यों नहीं करना, मैं ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं करना, क्यों नहीं कर सकता? उसके लिए आपको हर रंग का स्टॉक इकट्ठा करना पड़ेगा, उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी। एग्जैक्टली पॉइंट्स ये है, आंसर दिया करें। अब ये है कि मैं वेरिएशन लूंगा एक प्रोडक्ट के अगेंस्ट मुझे कितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, मतलब अगर हम एक कपड़ा भी खरीदते तो उसके अगर वो अगर साइजेस पे हमें उठाना पड़ेगा, 24-36 साइज वाले पूरे करेंगे, कलर्स पूरे करेंगे, एक ही प्रोडक्ट के अगेंस्ट कितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट। जैसे हम सिंपल ट्राउजर ही ले लेते हैं तो हमें उसमें मीडियम लार्ज स्मॉल लाना पड़ेगा, बिल्कुल, और वो भी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, और इन्वेस्टमेंट स्टक भी हो सकती है। बिल्कुल, यही बेस्ट पॉसिबल हमारे पास प्रैक्टिस है कि हम वेरिएशन वाले प्रोडक्ट में काम ना करें, एक्स्ट्रा लेटर ऑन हम सब कुछ कर सकते हैं जब हम कह लेंगे थोड़े बहुत फुटबॉल है तो फुटबॉल का एक ही साइज है, ये छोटा या बड़ा है, बिल्कुल फुटबॉल है उसका एक ही साइज है, उसके अलावा बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें वेरिएशन नहीं है। ठीक है, तो वेरिएशन से बचना हमें स्टार्ट, क्लियर हो गया? उसके बाद है जी नॉट बी पेरिशेबल और एक्सपायरी वाली प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए, गल सड़ जाए कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं हमने चूज कर ली कि बड़े बड़े स्टॉक में गल जाए, सेल हो ना हो स्टॉक में गल जाए या स्टॉक में बड़ी बड़ी एक्सपायर हो जाए, ऐसी प्रोडक्ट चूज नहीं करनी। लाइक हम टॉयज में काम करेंगे, किसी किस्म की कोई पेरिशेबल या एक्सपायरी डेट नहीं है, हम फ्लैश ड्राइव या कंप्यूटर के प्रोडक्ट्स में काम करते हैं उसमें भी कोई एक्सपायरी नहीं। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद है जी नॉट बी ब्रांडेड प्रोडक्ट, जैसा कि स्टार्ट में बात हुई थी कि आप ब्रांड्स के प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकते, आपके पास उसके लिए ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए जो कि कोई भी ब्रांड आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, उसकी आइडेंटिटी है वही सेल कर सकते। ठीक है, ब्रांडेड प्रोडक्ट को चूज नहीं करना, नॉन ब्रांड प्रोडक्ट्स को चूज करना। अगर आप करेंगे लोग कर भी रहे हैं रास्ते का, लेकिन अल्टीमेटली फायदा कोई नहीं है, सेल भी हो जाएगी कुछ देर बाद वो आपकी लिस्टिंग डिलीट कर देगा दराज। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट पे आपने काम किया है, रैंक भी हो गया प्रोडक्ट, जब दराज के सामने आनी है उन्होंने आपकी प्रोडक्ट एक तो डिलीट कर देनी है, दूसरा उन्होंने वार्निंग दे देनी है आपको, अगर आप ऐसे ही करते रहे अल्टीमेटली आपका वो स्टोर डिलीट कर देंगे जितना मर्जी आप सक्सेसफुल जा रहे हो। ठीक है, तो इस तरह के काम शॉर्टकट ले लेनी है हमने, काम करना जेन्युइन थोड़ा टाइम लग जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन काम करना पूरा नियत के साथ और नाम बनाना अपना। ये पॉइंट्स क्लियर है जी, बेस्ट प्रैक्टिसेस? यस सर। नो, देख लिए?
जैसी आती हो किस तरह? ये जो बेस्ट प्रैक्टिस है प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, हम कोई भी प्रोडक्ट इधर सर्च करते हैं फॉर एग्जांपल हमने कोई भी सर्च बार में एंटर किया यूएसबी केबल फॉर एग्जांपल का ध्यान देकर के, मुझे प्रोडक्ट चाहिए थी 100 टू 500 के दरमियान, उधर मैंने प्राइस में ऐड कर दिया मिनिमम 100 मैक्सिमम 500, ठीक है, इधर मैंने क्लिक कर दिया। अब ये मेरे पास इसने मुझे वो प्रोडक्ट्स दिखाना शुरू कर दी जो कि 100 से 500 के दरमियान। अब ये जनाब आप देख रहे हैं जितने भी प्रोडक्ट्स हैं 1966 रेटिंग है किसी की 73 रेटिंग है विद 5 स्टार, समझ आ गया? ये 73 रेटिंग और ये 5 स्टार, ये रेटिंग लोग करते हैं, ये रेटिंग कस्टमर करता है, जो अल्टीमेटली इस प्रोडक्ट का ऑर्डर करता है उसको रिसीव होती है, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है कि जी आया ये प्रोडक्ट अच्छी है, ये फ्रॉडिया बंदा बैठा बुरी प्रोडक्ट भेजेंगे या आप भेजेंगे जी आपने दिखाया प्रोडक्ट ये भेज आप प्रोडक्ट भी रहे हैं तो कस्टमर इधर आके आपको ऑब्वियसली गाली ही दे। अच्छा, अगर इन केस आपकी रेटिंग ना हो रही हो तो आप कस्टमर बन के खुद ही रेटिंग भी कर सकते हैं। बिल्कुल, हमने सबसे पहले सोच गया कि पाकिस्तानी हम यही सोचते हैं, ठीक है, हम ये कर रहे हैं सीधा शॉर्टकट के तौर पर कि हम खुद ही ऑर्डर करना शुरू हो जाए, ठीक है, ये काम नहीं करना। अच्छा, ऑर्डर के बाद रेटिंग करेंगे हम, पहले नहीं? आपने सारा काम करना है ऑर्डर, आप ये जो सारा करने लगे कि मैं ऑर्डर करूंगी खुद से करूंगी या किसी फ्रेंड से करवाऊंगी, ये भी इसका प्रोसेस है, इट्स पार्ट ऑफ बिजनेस, लेकिन हमने ऑर्गेनिक काम करना है, हमने अपनी प्रोडक्ट में इतनी मेहनत करनी है या इतने अच्छे से काम करना है कि लोग अल्टीमेटली यूज करें जब प्रोडक्ट या परचेज करें हमसे, वो दोबारा आए हमारे पास, उनका दिल करे आने का। अगर ना हो रहा तो फिर तो बंदा ये सारी इसमें ये टेक्निक्स है जो आपने बात की है ना, ये सारी टेक्निक्स है, ये भी हम पढ़ेंगे, लेकिन हम एज ए पाकिस्तानी हमने सबसे पहले ये चीज होती है कि हम उससे ऑर्डर करते हैं, क्योंकि जो पाकिस्तानी है बहुत कम इन स्टार्स को करते हैं, ये सारे लोग कर रहे हैं, उससे भी करवाते हैं कुछ लोग, लेकिन ये जब आप प्रोडक्ट सेल करेंगे सही प्रोडक्ट सेल करेंगे तो आपको वो ये रिव्यूज मिलेंगे। हाँ, ये बात सच है कि 1000 में से सिर्फ 100 बंदे ये रेटिंग करते हैं, लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो आए रेटिंग करें, ये वो लोग हैं जो रेटिंग करके ये थोड़ा सा कह लें कि सोशल काम करते हैं, लोगों को पता चल जाए कि ये प्रोडक्ट अच्छी है कि नहीं है, क्योंकि अप हो जाती है ना, बिल्कुल ये रैंक हो जाती है, इसी की वजह से प्रोडक्ट आपकी ऊपर नीचे जाती है, अच्छी प्रोडक्ट दे रहे हैं उसके ऊपर रेटिंग अच्छी आ गई है तो दराज इसको रेकमेंड करना शुरू कर देगा, ऊपर लेके आएगा अपने प्रोडक्ट, अगर आप इधर 1 स्टार आ रहे हैं आपका तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट रैंक भी हो जाएगी तो कस्टमर जब देखेगा जी 1 स्टार ही है मैंने नहीं ले ली दूसरे के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, कोई बात है। अब ये देखें 56 है, अब क्या इसका मतलब कि 56 यूनिट्स इसके सेल हुए आज तक? नहीं, यूनिट्स इसके ज्यादा सेल हुए हैं,
सिर्फ 56 लोगों ने इसको रेट किया, ठीक है। तो हम एज ए स्पेशली पाकिस्तानी ऐसा करते हैं, चीज अच्छी भी हो, ठीक है, टाइम ही नहीं है यार मेरे पास, कल करूंगा परसों, करते करते टाइम गुजर जाता है, ठीक है। अगर हम कर दें, इससे क्या फायदा होता है, एक तो मेरे जैसा आपके जैसा कस्टमर जो आया न्यू प्रोडक्ट लेने, उसको जज करने में आसानी हो जाती है कि यार ये प्रोडक्ट अच्छी है कहीं दूसरी वाली अच्छी है, बिल्कुल जेन्युइन है, एक तो ये बेनिफिट हो जाता है। दूसरा हम एज ए सेलर अगर काम कर रहे हैं तो हमें भी बेनिफिट हो जाता है, एक बंदे ने अगर इस 56% इसके ऊपर रेटिंग की हुई है तो इसके मेरे यहाँ से आज तक 500,000 में सेल हुई होंगी, तो सिर्फ 56 बंदों ने ऑर्डर किया। अगर सारे करते हैं इसकी प्रोडक्ट मुझे पूछना पड़ेगा, और अगर सेल अच्छी चल पड़े तो इनकी कोई खास जरूरत भी नहीं पड़ती, बिल्कुल सेल अच्छी चल रही है अल्टीमेटली इस लोग इसके ऊपर रेट करेंगे। लोकल मार्केट में मैं बात करूं तो आप किसी सेलर के पास जाते हैं और उससे जाके कहते हैं जी मुझे प्रोडक्ट दिखाएं, आपको वो अच्छी लगी मैं उसका कस्टमर बन जाता हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं उसी के पास जाऊंगा, बेशक दूसरे के पास इससे भी अच्छी प्रोडक्ट पड़ी हो। फॉर एग्जाम्पल मैं मोबाइल रिपेयरिंग करवाने जाता हूँ, एक बंदे ने मेरे साथ फ्रॉड किया, नेक्स्ट टाइम मैं कभी भी उसके पास नहीं जाऊंगा। एक बंदा जिससे मैं काम करवाता हूँ, पर्सनली अपनी बात कर रहा हूँ, एक बंदा जिससे मैं काम करवा रहा हूँ, एक दफा उसने मुझे फर्स्ट एक्सपीरियंस अच्छा दिया, दो अच्छे दिए, मैं थ्रू आउट लाइफ उसका कस्टमर बन जाऊंगा और बल्कि दूसरों को रेकमेंड करूंगा जी फलाने बंदे के पास जाओ, क्यों, क्योंकि वो मुझे अच्छा काम करके दे रहा है, ये नहीं कर रहा कि उसने बात ये किया कि मैं इसकी ये वाली चीज ठीक करूंगा दूसरी चीज निकाल के उसने ओरिजिनल चीज निकाल के दूसरी चीज बना, ठीक है, मोबाइल। हाँ जी बिल्कुल, तो क्या है जी हमने अपना इधर बेस्ट प्रैक्टिस लेनी है, लिस्टिंग आज जब हमने कर लेनी है चीज वही कस्टमर को सेंड करनी है जो हमने दिखानी है तस्वीर। वैसे भी ऑनलाइन ज्यादा यही कहते हैं कि जी चीज हम लोगों ने मंगवाई है लेकिन जो मंगवाई है वो चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, और ये ऐसे लोग फिर खराब करते हैं, ऐसे लोग खराब करते हैं, खराब करने वाले बहुत है। मैं स्टार्ट में क्या कहा था जी, नाम बनाना है पैसे नहीं बनाना है, नाम बनाएंगे पैसा अल्टीमेटली बने, महीने में काम करना है, दो महीने काम करना है फिर वो वाला काम शुरू करते हैं, चीज कुछ दिखाए भेजी कुछ, नाम बनाना है थ्रू आउट आपने ये बिजनेस लेके चलना है तो फिर जाएंगे काम कर, बिल्कुल नियत में फितूर नहीं होना चाहिए। अब ये सारी प्रोडक्ट्स जितने भी हमारे सामने आ रही हैं जनाब 500 से ऊपर की कोई प्रोडक्ट नहीं है, अब ये सिर्फ मैंने एक कीवर्ड सर्च किया, कोई भी कीवर्ड सर्च कर ले आपके सामने हजारों किस्म के प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, मैं इनमें से कोई भी प्रोडक्ट चूज करके सेल आउट कर सकता हूँ, मैं इसमें देख लूंगा जी ये बंदा काम भी है, रेटिंग भी अच्छी है, सारा कुछ सही चल रहा है, ये सेल कर सकते हैं तो हम कैसे सेल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसी एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैंने ये प्रोडक्ट चूज कर ली, इसको पीछे से ये प्रोडक्ट 100 की पड़ी होगी, 200 की पड़ी होगी, तो इसने प्रॉफिट कमाया और अल्टीमेटली 350 में इसने सेल कर दी, मैं इसी प्रोडक्ट को पकड़ूंगा और हंट कर लिया मैंने प्रोडक्ट का। अब दूसरा प्रोसेस आता है सोर्सिंग का, मैं जाऊंगा जी किसी भी मार्केट होलसेल मार्केट में, उधर से मुझे ये 200 की मिलेगी तो मैं इसको 340 में भी सेल कर सकता हूँ, 330 में भी सेल कर सकता हूँ, ठीक है, अल्टीमेटली मैं भी इसके साथ आना शुरू हो जाऊंगा, मेरी प्रोडक्ट पे भी रेटिंग आएगी, मेरी प्रोडक्ट में भी सब कुछ होगा, मैं बूस्ट अप होना शुरू हो जाऊंगा, ठीक है जी। ये काम है सारा कुछ आपने, एक तो ये प्रोसेस हो गया, जितने भी प्रोडक्ट है कोई भी कीवर्ड सर्च करें, इधर आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो आप कह रहे हैं वो सर्च कर लें, इधर आप मोबाइल फोन सर्च कर लें, इधर आप टॉय सर्च कर लें, कॉस्मेटिक सर्च कर लें, जो भी आपने सर्च करना है उसको हमने कह देना जी 100 से 500। अब इससे हमें पता चल रहा है प्रोडक्ट तो हमारे सामने आ गई, हमें नहीं पता चल रहा इस बंदा ये बंदा कितनी प्रोडक्ट सेल कर रहा है, ठीक है, ये बंदा कितना प्रॉफिट ले रहा है, या ऑब्वियसली जितनी सेल होगी उसी के ऊपर प्रॉफिट पता चलेगा। उसके लिए हमारे पास एक टूल है, दैट इज कॉल्ड जार्विस। जार्विस को मैं ओपन करता हूँ, JRVIS, ये टूल रिसेंटली लॉन्च हुआ, पहले ये टूल नहीं था, आपको खुद से काम करना पड़ता था और जो भी आपने प्रोडक्ट पकड़ी उसकी तस्वीर बनाई अपलोड कर दी, सेल होगी आपको पता चल जाता था जी इस प्रोडक्ट में काम है, इस प्रोडक्ट में काम नहीं है। अब ये हमें एक टूल मिल गई, अमेजोन की अलग है, ईबे की अलग है, दराज की रिसेंटली लॉन्च हुई है जार्विस के नाम से, ये पेड टूल है, पैसे देके आपको इसका अकाउंट खरीदना पड़ेगा लेकिन फ्री ट्रायल भी है इसका, पैसे नहीं हमने देने,
प्रॉफिट कर दिया, हमने भी पैसा देना है, और हम न्यू स्टूडेंट है, हमने भी पैसा देना, हमारे पास है नहीं बजट, सीधी बात, ठीक है, हमने चल रहा है फ्री फ्री खाते में चल रहा है, होगी क्यों नहीं होगी, चार भी सब सब कुछ होगा ऊपर। अब जनाब इधर दो ऑप्शन है हमारे पास, साइन अप फॉर फ्री 7 days का ट्रायल देते हैं ये, इससे हमें पता चलता है कि इसमें आपको नाम देना होगा, फॉर एग्जांपल कोई भी आप नाम देंगे, ईमेल देनी होगी आपको, ईमेल देने के बाद पासवर्ड देंगे और क्रिएट अकाउंट करेंगे आपके पास ही खुल जाए। ये देखिए जी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया, ईमेल आईडी दी, नाम दी, अपना पासवर्ड दिया, ठीक है, अकाउंट हमारा 7 days के लिए हमें फ्री ऑफ कॉस्ट, 7 days के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। अब इसी को लॉगिन करते हैं, इधर अपनी ईमेल देते हैं जो हमने उधर साइन अप प्रोसेस में दी थी, इधर वही पासवर्ड देते हैं जो साइन अप प्रोसेस में दिया था, और साइन इन करते हैं। नॉट वेरीफाइड पहले हमें जाना पड़ेगा जी, ईमेल में हमें आई होगी एक ईमेल, इधर वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे, ईमेल हमें आएगी इसी जो ईमेल हमने साइन अप में दिया, वेरीफाई नाउ पे क्लिक करते हैं, ये हमारा सक्सेसफुली अकाउंट वेरीफाई होगा। अब आते हैं इधर फिर से आगे साइन इन करके, हम दराज पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे, देन कंफर्म, ये जो हमारे पास दराज ओपन हो गया, ये चार पिस्तौल ओपन हो गया, 7 days का फ्री ट्रायल है, वैसे इनके पैकेजेस हैं, हमने पैकेजेस नहीं परचेज करना क्योंकि हम न्यू भी है, न्यू स्टूडेंट, हमने अभी लर्न करना है बस, और लर्न फ्री पे होता है, पैसे नहीं देना है, पैसे तब देने हैं जब हम प्रोफेशनल हो जाएंगे, हमें ग्रिप हो जाएगी हर चीज पे। अच्छा जी, अब इसके ऊपर डिफरेंट प्रोग्राम आ रहे हैं, प्रोडक्ट डेटाबेस आ रहा है, प्रोडक्ट को हम ट्रैक कर सकते हैं, और इसमें कैलकुलेटर भी आना होगा। एक तो मैंने आपको प्रोसेस बताया था मैन्युअली कि प्रोडक्ट की होलसेल कॉस्ट डालेंगे, शिपिंग कॉस्ट कितनी आ रही है वो डालेंगे, कमीशन डालेंगे और अपना प्रॉफिट निकालेंगे। ये जारविस हमें एक कैलकुलेटर देता है, इसके थ्रू हम ऑटोमेटिकली उसको इनपुट देंगे, वो हमें बता देगा आउटपुट क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें प्रॉफिट कैलकुलेटर पर क्लिक करते हैं, नजर आ रहा है सबको, चलिए फर्स्ट क्या है इसमें ऑप्शन, राज पाकिस्तान ऑलरेडी सिलेक्ट है, किस कैटेगरी में मैंने काम करना है, ड्रॉप डाउन किया, सारी कैटेगरीज मेरे सामने आ गई, फॉर एग्जांपल मैं गेम्स को चूज करता हूँ, चलिए हेल्थ एंड ब्यूटी को चूज कर लेते हैं, जो आपकी भी कैटेगरी और ओरिफ्लेम या कोई भी कैटेगरी, ठीक है। अब इसमें हमें डिफरेंट चीजें पूछ रहे हैं, प्रोडक्ट सेल प्राइस कितनी प्राइस आप रखना चाहते हैं, सेल प्राइस डिलीवरी चार्जेस कितने होंगे, सोर्सिंग कॉस्ट मीन्स के होलसेल प्राइस हमें कितने की मिली है प्रोडक्ट, ठीक है, देन फ्लायर की इसमें आप इनपुट देंगे, आपको सारा कुछ निकाल के
आपके सामने रख देगा कि जी आपको इतना प्रॉफिट होगा मंथली और ये होगा वो होगा जो भी होगा सब कुछ आपके सामने रख। अच्छा जी, हमने कैटेगरी चूज की और हम कहते हैं जी सबसे पहले आएंगे होलसेल प्राइस पर। हमें कोई प्रोडक्ट है 100 रुपीज फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट किया, इधर होलसेल प्राइस डाल देंगे, सोर्सिंग कॉस्ट 100 रुपीज बने डाल देंगे। अब उस प्रोडक्ट का जितना भी वेट होगा मुझे पता है ये इसके अंदर आ जाएगा। स्मॉल में आएगा तो 10 रुपए, बड़े में आएगा लार्ज में तो 12-13 रुपए लगेंगे आपके। आप इसको बड़े की प्राइस लगाएं 15 रुपए लगा दें इसके ऊपर। डिलीवरी चार्जेस आपके वेट के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 0.4 से नीचे की प्रोडक्ट है तो 70-80 रुपीज चार्ज करता था, 80 रुपीज फॉर एग्जाम्पल हम इधर दे देते हैं। प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं जी हम 100 की आई है और हम सेल करना चाहते हैं जी 250 सेल प्राइस लगा दी। कैटेगरी चूज कर ली, प्रोडक्ट सेल प्राइस लगा दी, डिलीवरी चार्जेस, सोर्सिंग कॉस्ट और वैट ये इसने ऑटोमेटिकली पिक कर लिया हुआ है 15% पंजाब का। पेमेंट हैंडलिंग फी जो बैंक चार्ज करेगा उसका भी इसने 1.25 निकाल दिया। उसके बाद रेफरल फी सारा कुछ निकाल के नीचे आ रहा बटन कैलकुलेट का, कैलकुलेट पर जी क्लिक करते हैं। ले जाओ ये बता रहा है जी प्रॉफिट मार्जिन आपने 79% आपको प्रॉफिट होगा अगर आप 250 की प्रोडक्ट सेल करते हैं। ये आपका प्रॉफिट मार्जिन है 79%। ठीक है, आरओआई क्या होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जितने रिटर्न इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर 51.6% आपको रिटर्न आएगा इसका। समझ आ रही है? नहीं आ रही? ये क्या है जी? वो सारी चीजें जो मैंने उस दिन किया था, प्रोडक्ट की होलसेल प्राइस वो लिखवाया था ना आपको सारा होलसेल प्राइस। फॉर एग्जाम्पल 100 है, इसी को हम मैनुअली भी करते हैं। होलसेल प्राइस मैंने इधर लिखी, सोर्सिंग कॉस्ट आगे लिखा हुआ है होलसेल प्राइस, दैट इज 100 रुपीज। उसके बाद क्या है जी? दराज की कमीशन कितनी है मैंने वो निकाली। हेल्थ एंड ब्यूटी के ऊपर 13% है। ठीक है जी, वो आपको सब निकाल देगा कितने परसेंट। बिल्कुल, ये ऑटोमेटिक आपको करके दे रहा हूँ। मैंने उस दिन आपको मैनुअल बताया था, मैनुअल भी आप कर सकते हैं, ऑटो भी कर सकते हैं। 7 डेज के बाद तो ये वैसे बंद हो जाएगा ना, तो आपने इसको मैनुअली सीखना, कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कमीशन फॉर एग्जाम्पल इसमें 13% है, 100 का 13% निकाल दें। ये जो उसने कमीशन ये वाली निकाल दी इसमें ऐड हो गया। उसके बाद क्या आया जी? पैकेजिंग कॉस्ट, कि जिस प्रोडक्ट को आप पैकेज में करेंगे उसके ऊपर कितनी कॉस्ट आ रही है। जेब में सब हमने डाल ले, हमने उसके लिए पे किया है, तो हमने पैकेजिंग कॉस्ट 15 रुपीज डाल दी। ठीक है, उसके बाद क्या है? और इसके अलावा नीचे बैंकिंग का भी आ रहा था कि वो सारा बैट वगैरह लमसम जो आपने डाल दी इसमें 20 रुपीज। प्रोडक्ट सेल करने लगे है कितने ये प्रोडक्ट 100 रुपीज की, दराज की कमीशन निकाली, ये सारा कुछ करके अब मैं इसको 100 वाली प्रोडक्ट 250 में सेल करना चाहता हूँ। ये मैंने लिखा, ठीक है, 250 में सेल करना चाहता हूँ, तो इसके ऊपर अब मैंने सारा कुछ ये वाला सिस्टम इसमें से लेस कर लूंगा। होलसेल प्राइस, कमीशन, पैकेजिंग कॉस्ट, लमसम अमाउंट निकाल के इसमें से फॉर एग्जाम्पल 100 होलसेल प्राइस होगी, बाकी 50 रुपए ये सारा कुछ लेस हुए। इन द एंड मेरे पास क्या आ गया? ये मेरा प्रॉफिट है ना, और ये ही आपको ऑटोमेटिक सिस्टम में कह रहा है जी आपको 79% बचेगा। तो जो ऑटोमेटिक सिस्टम में कितना कॉस्ट करता होगा? क्या मतलब ये अगर आपने बाय करना है ये सिस्टम अगर परमानेंटली बाय करने की जरूरत नहीं, परमानेंटली आपने करना है वो भी आपको सारे पैकेजेस बता देते हैं। अभी हमने इस चीज को समझना है जिसको हमने कैलकुलेट किया। तो ये हम इसको तब डाउनलोड करें जब हमारे पास अच्छी प्रोडक्शन हो, 7 डेज में इसको यूटिलाइज कर लें। बिल्कुल, ना भी यूटिलाइज होगा इसका भी एक जुगाड़ है हमारे पास। ठीक है, जुगाड़ हमने निकाल लिया, वो
वही जुगाड़ जो मैं कह रहा हूँ कि 4-5 साल में मैंने सीखे हैं, वो जुगाड़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, ठीक है ना, जो आपने फी पे किया उसके थ्रू, और जो आपने इंशाल्लाह लाइफ टाइम आप जितना भी आप करेंगे काम जिधर भी स्टार्ट होंगे मैं हाँ। अच्छा जी, इसने हमें बता दिया है मैं इन्वेंट्री परचेज करूंगा इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट 30,000 की, तो 300 यूनिट्स मैं परचेज करूंगा। 100 रुपए वाली प्रोडक्ट की मैं 300 यूनिट लूंगा तो मेरा 30,000 इन्वेस्टमेंट में लगेगा। गिव अवेज BVROs, गिव अवेज फॉर एग्जाम्पल मैं अपना एक इसमें से एक सिस्टम रखी हूँ कि मैं 100 यूनिट्स ना फ्री दूंगा कस्टमर। मतलब 100 यूनिट्स क्या मतलब? 100 यूनिट्स में एक गिव अवे इसका नाम सुना होगा। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। चैनल वो चलाते हैं जब ग्रो हो जाता है वो कहते हैं हम ये आईफोन फलाना गिव अवे करने जा रहे हैं। क्या मतलब होता है इसका? प्रमोशन कर रहे हैं हम अपने यूट्यूब चैनल पे, लोग गिव अवे या तो आईफोन देने लगे, हर कोई उसको सर्च करेगा और उसके बाद ट्रैफिक आएगा, ठीक है। यही वाला गिव अवे वाला काम वो कहता है अब अपनी शॉप के साथ भी करें। 100 प्रोडक्ट का एस्टीमेट बना ले, 100 प्रोडक्ट में कस्टमर को फ्री ऑफ कॉस्ट दो। अगर कोई बर्स कस्टमर आपसे 100 प्रोडक्ट्स लेता है, नहीं फॉर एग्जांपल हम इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं 50,000, ठीक, 30,000 का हमने इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट 300 यूनिट्स खरीद ली, हम चाहते हैं कि यार मैं कुछ प्रमोशन करूं, न्यू बंदा हूं मैं प्रमोशन करता हूं, मैंने अपना एक जो एलोकेट करके रख दिया कि मैं इतने पैसे प्रमोशन में खर्च करूंगा। प्रमोशन करना चाहते हैं तो आपके इतने पैसे इसके अगेंस्ट लगेंगे, लेकिन हमने अभी स्टार्ट में ये भी नहीं करना, हमारे पास पहले लिमिटेड सा बजट है, हम बजट है हम इसमें से भी निकालेंगे तो हम क्या सेल करेंगे, ये भी हमने छोड़ दिया। टोटल वो कह रहा है कि ये आपको सारा कैपिटल लगाना पड़ेगा। अब ये नीचे प्रॉफिट कैलकुलेशन की तरफ आए जो बताने का आपको मकसद है, बाकी चीजें छोड़ दें, ये हमने बताने का मकसद ये है कि आप ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं और उस दिन मैंने आपको मैनुअल कर दिया, आप इसको इसके सहारे ऊपर नहीं रहेंगे, सारा आपको मैनुअल सिस्टम बता दिया, इसीलिए आप क्या करेंगे सेल प्राइस में से निकालेंगे कमीशन, कमीशन देन जितनी भी कॉस्ट आ रही होगी सेल प्राइस में से निकालेंगे, अल्टीमेटली उस सेल प्राइस को आप तराज पर लगा देंगे किसी भी प्रोडक्ट के अगेंस्ट। अब इसमें वो बता रहे हैं कि कमीशन जैसे कि ब्यूटी में मैंने बताया 13% चार्ज करता है, 12.90% 13 लगाए 32 रुपए ये गए हुए जो मैंने मैनुअली भी किया, पेमेंट हैंडलिंग फी 3 रुपए ये गए हुए, रेफरल फी 3 रुपए ये गए, वैल्यू एडेड टैक्स 18 रुपए ये गए, टोटल चार्जेस 56 रुपए 56 रुपीज। अच्छा प्रोडक्ट सेल कितने के लगाई थी हमने? 250 दिया था उसको, सेल प्राइस 250 दी थी, ये सारे एक्सपेंस निकाल के 56 निकाले, नेट प्राइस हमारे पास आ गई 194 रुपीज। समझ आ रही है? 194 रुपीज आ गए। कैसे है 194 रुपीज? सारा कुछ निकाल दिया, वैट निकाल दिया, कमीशन निकाल दी, जो कुछ पड़ा तो है हम कमीशन भी निकाल दी सेल प्राइस में से, बिल्कुल टोटल चार्जेस निकाल के ये हमारे सामने ये वाली अमाउंट आ गई। सेल प्राइस क्या लगाई थी? 250 में से सारा कुछ निकाल दिया, कमीशन निकाल दी, प्रॉफिट हो गया। हाँ ये 194 नेट प्राइस अभी है, अभी हमने सिर्फ सारा जो हमें कॉस्ट आ रही है कमीशन निकाली, जो हमें पैकेजिंग पे कॉस्ट आ रही है वो निकाली, वैट वैल्यू एडेड टैक्स निकाला, नेट प्राइस हमारे पास आ गई 194। 250 में सारा ये 56 निकाले, 194 हमारे सामने आ गए। उसके बाद कह रहा है प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट 115 की प्रोडक्ट कॉस्ट निकाली, प्रॉफिट है उसमें अल्टीमेटली हमें ये आएगा। सेल प्राइस थी जनाब 250, ये लिखा हुआ सेल प्राइस, ये देखे मैम प्रोडक्ट सेल प्राइस 250 लगाई थी, इसमें से सारा उसने जितना भी हमें कमीशन
निकाली, उसने पेमेंट हैंडलिंग फी निकाली, रेफरल फी, वैट, टोटल चार्जेस निकाल के उसने कहा जी 56 रुपीज आपसे ये दराज ले लेगा, ढाई सौ में से हाँ जी 56 रुपीज उसके हो गए। पीछे आपके पास क्या रहेगा जनाब 194 में से आपने निकाली है प्रोडक्ट की कॉस्ट जो कि हमने उसको 100 रुपीज दी थी, ठीक है। प्रोडक्ट कॉस्ट निकली, उसमें से आपको प्रॉफिट जो आपकी जेब में आएगा वो 79 रुपीज है। जैसा कि इसने ऊपर कहा था प्रॉफिट आपको मिलेगा 79%, तो 100 का 75 निकाले इसका, तो यही बनता है, ठीक हो गया। वही बात जो हमने सारा कुछ मैनुअली किया था, 250 की सेल प्राइस है, बीच में से माइनस कर दें कमीशन, माइनस कर दें वैट, माइनस कर दें पैकेजिंग चार्जेस, माइनस कर दें बैंक चार्जेस, माइनस कर दें प्रोडक्ट कॉस्ट, अल्टीमेटली 250 की सेल है। सारा जितना भी हमें कॉस्ट आई इसके ऊपर ऑब्वियसली वो तो निकाली है हमने, वो निकाल के जो हमारे पास आएगा वो हमारी अल्टीमेटली बैंक में आ जाएगी, सारी अमाउंट हमारी बैंक में आएगी, कॉस्ट भी आएगी जितने की हमारी प्रोडक्ट लगी वो भी आएगी, उसके ऊपर हमें प्रॉफिट में मिलेगा। वही वाला सिस्टम, 300 की चीज ली, 300 प्रॉफिट ऐड किया, 600 जेब में, ये आपके बैंक अकाउंट में आएगा, बचा उसमें से आपको ये तो आपकी कॉस्ट थी ना, बचा प्रॉफिट उसके ऊपर ये 300 हुआ, ठीक है। ये सारा कुछ एक जॉइंट स्कूल था उसके थ्रू हम देखिए। अब जी अगर हमने ये सारा कुछ करना आ गया, हमने एक प्रोडक्ट ली उसकी सेल प्राइस के ऊपर कमीशन निकाली, कमीशन निकालने के बाद जो जो चार्जेस या कॉस्ट उसके ऊपर आती है वो निकाली, अल्टीमेटली हमारे सामने प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसके थ्रू की जरूरत रही नहीं, इसके ऊपर ही रिलाई करना आपने। जब भी आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग करने लगेंगे ये चीज तो आपको चाहिए, इमेजेस और कितने की सेल प्राइस लगानी है। सेल प्राइस तो तभी आपके सामने आएगी ना जब आपको उसकी होलसेल प्राइस का पता होगा प्रोडक्ट की। जी सर, और सर जो ये मतलब हमें ये भी तो पता है कि कितने परसेंट दराज उसमें से काट रहा है, तो वो आप कैसे पता करें? वो आप ऐसे पता करें, अपने सेलर सेंटर पे आएंगे। सेलर सेंटर क्या है जी? जिधर आपका स्टोर है, जिधर आपका एक्सेस है सारा, जिधर आप इनपुट देते हैं। आपका स्टोर हो गया मैम जी? A6 था ये हमारे पास, वो एड्रेस का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है कि वो तो हाउस नंबर नहीं है, तो स्ट्रीट नंबर भी नहीं है, तो फिर कैसे चलेगा? कोई भी लिखते हैं हाउस नंबर बांध लेते हैं, स्ट्रीट नंबर भी बांध लेते हैं। टॉप राइट कार्नर पे आपकी शॉप का नाम आ रहा है, उधर क्लिक किया, प्रोफाइल में जाएंगे, इधर तीसरा ऑप्शन कमीशंस का है। अब जनाब ये सारा कुछ आपके सामने, बैग्स एंड ट्रेवल पे 8.60%, वेडिंग एंड बाथ पे 13%, कैमरास पे 5.10%। अपनी प्रोडक्ट की कैटेगरी देखनी है और उसके ऊपर से ये कमीशन निकालते जाना। फॉर एग्जाम्पल मैं बैग्स एंड ट्रेवल में कोई प्रोडक्ट सेल करने लगा हूँ, उसकी कमीशन है जी 8.6%, तो मैंने कमीशन निकालनी है। किसी स्टोरी जार्विस स्टोर की जरूरत अब है, हमने प्रोडक्ट हंटिंग टूल है, वो प्रोडक्ट का हमें कैसा पता चलेगा यार इस बंदे की। पहले तो हमने मैनुअली देखा प्रोडक्ट साइज की 100 से 500 के दरमियान, उसने प्रोडक्ट मेरे सामने रख दी, सिर्फ मुझे प्रोडक्ट का पता चला और ये पता चला कि इस प्रोडक्ट की इतनी रेटिंग है और इसके इतने रिव्यूज हैं, ये नहीं मुझे पता चला कि इसकी सेल कितनी है। सेल जब पता चल जाएगी तो मुझे पता चल जाएगा जी ये प्रोडक्ट मैं सेल कर सकता, इट्स गुड। इसकी दिन में 50 यूनिट सेल हो रहा है तो अच्छी प्रोडक्ट है, दिन में 20 यूनिट सेल हो रहे हैं अच्छी प्रोडक्ट है, वो सारा कुछ जार्विस बताएगा। जिस स्टोर को हमने साइन अप किया ये कैलकुलेट पे हमने छोड़ देना। अब मैं जो जुगाड़ है इसका जी गूगल प्ले स्टोर पे आते हैं,
जारविस अपनी ना एक एक्सटेंशन प्रोवाइड करता है, डिफरेंट एक्सटेंशन होती है डिफरेंट एप्स की, जारविस भी एक्सटेंशन प्रोवाइड करता है। अब मैं अगर दराज पे आता हूँ इधर मैंने एक यूएसबी केबल सर्च की फॉर एग्जांपल, टॉप पे मेरे पास एक प्रोडक्ट है उसी को ओपन कर देता हूँ। अब जनाब ये देखें ये जारविस आ गया, लोड कर रहा है ये डाटा के, ये प्रोडक्ट के अगेंस्ट डाटा ग्रैब कर रहा है, दैट इज ये एक्सटेंशन है। अब ये हमारा काम आसान हो गया, जो हम करने आए हैं प्रोडक्ट हंटिंग वो एक स्टेप प्रोडक्ट हंटिंग का एक तरीका ये है कि जारविस जो कि सबसे बेस्ट है हमारे पास, इसने खोल के रख दिया जी अवेलेबल स्टॉक बंदे के पास 38 यूनिट्स पड़े हैं, हमारा इसके साथ कोई इंसान नहीं है। इसने बता दिया जी पर मंथ इसके 88 से 89 यूनिट सेल होते हैं एक प्रोडक्ट के अगेंस्ट, मींस महीने के कितने हो गए 5-10 होते हैं, 88 को डिवाइड करें 30 पे, और महीने में ये इस प्रोडक्ट को इतना सेल करता है जो कि है जी 90 यूनिट से महीने के सेल करता है, ठीक है। और इसकी एज भी बताएगा ये कब से इसने प्रोडक्ट लगाई है, 5.7 मंथ्स हो गए इसने प्रोडक्ट लगाई, अब सिर्फ 5 महीने हो रहे हैं पर मंथ ये सेल कर रहा है 90 यूनिट्स, ठीक है 90 यूनिट्स। मैं एक एग्जांपल की कम से कम की बात करता हूँ, ज्यादा की हमने बात ही नहीं करनी, 90 यूनिट्स सेल कर रहा है महीने के, एक प्रोडक्ट के अगेंस्ट 20 भी कमाता हूँ 90-20 करे जो हमने लिस्टिंग कर दी है
वो वेरीफाई हो जाएगी तो ऐसे ही हमारी प्रोडक्ट भी शो होने लग जाएंगे। अब मैं इसकी ऑल प्रोडक्ट्स पे चलता हूँ। तो जनाब अली, इसकी ये सारी प्रोडक्ट्स, ये सारी, ये इसकी एक बंदे की प्रोडक्ट्स। चलते जाए, सारी एक पेज पे पड़ी हैं। टोटल इसके 6+ पेजेस। एक पेज पे आई थिंक 20 या 30 प्रोडक्ट्स होते हैं। तो लमसम की बात करें 20 × 6 कर लें या 30 × 6 कर लें, इसके पास कम से कम भी 60, 70 या 100+ प्रोडक्ट्स पड़े हैं। अब इसको ये एक स्टोर है, आप जितनी मर्जी प्रोडक्ट ऐड करें, इट्स अप टू यू, ना करें तो वो आपकी मर्जी। अब प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है, मैं कैसे फाइंड आउट करूं कि मैं प्रोडक्ट, मैं एक रॉ बंदा आया हूँ, मुझे नहीं पता मैंने कैसे सेल करनी है, मैं ऐसे ही प्रोडक्ट उठाऊ और सेल करना शुरू कर दूं, इट्स नॉट बेस्ट प्रैक्टिस। बेस्ट प्रैक्टिस मैं चेक करूं कि जिस प्रोडक्ट की अगेंस्ट सेल कितनी होती है। अब आएगी और ऐसे ही अब आपके सामने ये टूल आ गया फ्री ऑफ कॉस्ट। करना कि आपने इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने के लिए, ये हमारे पास साइन है, पंजर का साइन जो बना होता है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सेकंड ऑप्शन पे जाएंगे मैनेज एक्सटेंशंस, इस पे क्लिक करेंगे, ये 3 डॉट जो आ रहा है एक्सटेंशन के साथ, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और सबसे लास्ट पे लिखा हुआ है ओपन क्रोम वेब स्टोर। ये मोबाइल पे भी हो जाएगा, मोबाइल पे हमने गूगल क्रोम ओपन करना और ये वाला सारा सीन करना। अच्छा जी, अभी हमारे पास स्टोर आ गया, इधर हमने सर्च करना है जार्विस। पहला ही हमारे पास ऑप्शन आ गया जार्विस ग्रास प्रोडक्ट रिसर्च स्टोर, ठीक है, और नीचे के लिखा हुआ है jarvis.pk, मींस कि यही हमारी प्रोडक्ट है, हम पाकिस्तान में ही है तो ये पाकिस्तान की ही प्रोडक्ट है। इस पे क्लिक करेंगे और इधर हमारे पास इंस्टॉल का बटन आ जाएगा, हम इसको डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेंगे। अब ये ऑलरेडी मेरे पीसी में इंस्टॉल्ड है तो ये रिमूव का ऑप्शन कह रहा है, तो मैं रिमूव नहीं करना चाहता। अगर हम इसको इधर हमारे पास जब हम न्यू अप करेंगे तो इधर आपके पास डाउनलोड एंड इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा होगा, वो करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपके क्रोम ब्राउजर में इंस्टॉल हो जाएगी। फिर क्या होगा, जब भी आप आएंगे दराज पे किसी प्रोडक्ट को सर्च करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं अब सर्च कर लेता हूँ जी, क्या सर्च किया, स्टोर है मेगा मार्ट के नाम से, उसको सर्च कर, ये प्रोडक्ट्स है, इसको मैं ओपन करता हूँ। जब मैं ओपन करूंगा तो ये जी लोड होना शुरू हो जाएगा। अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट, मैंने कोई पैसे नहीं लगाए, ना ही मैंने कोई उनका पेमेंट प्लान लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट हर प्रोडक्ट की ये मुझे भी बता देगा जी ये प्रोडक्ट इतनी सेल होती है। अब ये प्रोडक्ट है, ये कह रहा है जी 3 यूनिट्स इसके सेल हो रहे हैं 6.5 मंथ्स, इट्स नॉट गुड प्रोडक्ट, हम नहीं चूज करेंगे इसको, क्योंकि ये 3 प्रोडक्ट्स महीने के सेल हो रहे हैं तो इट्स नॉट ए बिग डील, इस प्रोडक्ट को, ये प्रोडक्ट हमारे सूटेबल नहीं है, छोड़ देंगे। समझ आ रही है, ये है प्रोडक्ट हंटिंग। अब ऐसे ही हम वन बाय वन सर्च करते रहेंगे, जिस प्रोडक्ट के ऊपर हमें अच्छे स्टैट्स मिलेंगे उसको हम पिक कर लेंगे, उसको हम फिर क्या करेंगे, सोर्स करने की कोशिश करेंगे कि हमें होलसेल मार्केट से मिल जाए, आइदर चारकोट से, लाहौर से, चाइना से, जिधर से भी हम कर सकते हैं उसको लेंगे और अपने स्टोर पे लिस्टिंग करना शुरू करेंगे। ये सारा सीखना। एक और प्रोडक्ट बताते हैं, लेक्चर क्लोज करते हैं, 4 बजे हमें। अभी मास्क की बात हुई थी उस दिन, वैसे ही मैं प्रोडक्ट ओपन की, ये लोड होना जार्विस शुरू कर देगा। लेना 429 प्रोडक्ट्स की एक महीने में सेल होती है, इट्स ए बिग 100 प्रोडक्ट। अब हमने हंट कर लिया, हमने हमें सारा स्टैट्स हमारे सामने आ गया था, लेकिन स्टॉक पे कितना ज्यादा लेके बंदा बैठा हुआ है ये बड़ी शॉक है। उसके बाद 429 to 430 यूनिट्स पर मंथ एक प्रोडक्ट के अगेंस्ट सेल करता है, 350 वाले स्कोर में ये प्रोडक्ट सेल करता है।
एक दफा लिस्टिंग करके छोड़ दिए, सारी उम्र बैठ के कमाया, सिर्फ प्रोडक्ट सोर्स करते जाए, होलसेल मार्केट से लेता जाए, अपने पास स्टॉक रखे, सेल आउट होता। तो हमें ये जो यूनिट्स फर्स्ट टाइम अवेलेबल स्टॉक है इसको तो चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। इसको इसको हाँ ये हम इसको इससे अपने शॉप पे इनपुट दिया हुआ है कि इतना इसके पास स्टॉक पड़ा, वो जब हम लिस्टिंग करने लगे तो उसका हमसे पूछता था ना स्टॉक कितना आपके पास, ये वो वाली चीज है, हमारे पास 10 होंगे तो हम उधर 10 एंट्री करेंगे, 20 होंगे 20 की एंट्री करेंगे, हाँ जी ये चेंजिंग होती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल ये इसके सेल आउट हो जाएंगे, इसके बाद मुझे स्टॉक मंगवा लेगा, ऐड करता जाएगा, 100 स्टॉक होगा, ये आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, बाकी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब ये देखें एक प्रोडक्ट नहीं है इसकी, इसके स्टोर को खोले, गो टू स्टोर जाएंगे, अब ये मेगा सुपर है, अब इसके फॉलोअर्स चेक करें, 37,179 इसके फॉलोअर्स है, ठीक है, 89% इसकी पॉजिटिव रेटिंग है। ऑल प्रोडक्ट्स में मैं आता हूँ तो ये सारी इसकी प्रोडक्ट्स है जनाब, तो सब ऑलमोस्ट टॉप रिव्यू है, ये एक बड़ा सेलर मीन्स ये पर्टिकुलर जो शॉप है मिलियंस में कमा रही है, सारी प्रोडक्ट है, सारी प्रोडक्ट्स हैं, स्क्रॉल डाउन करते जाएं और इसके भी 7+ पेज है, ऐसे ही आपने अपने प्रोडक्ट। अब ये क्या है, हमने स्टैट्स जो दिखाए इसने कितने प्रोडक्ट्स की सेल हो रही हैं, तकरीबन 329, अच्छी प्रोडक्ट है। हम अपने हमने क्या करना है, हमें इसको सर्च करना है इस प्रोडक्ट को और लिस्टिंग कर देनी है अपनी शॉप, ये एक तरीका हो गया प्रोडक्ट हैंडलिंग करने का, दैट इज टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट जार्विस के थ्रू। ये आपको ऑलमोस्ट एग्जैक्ट फिगर दे रहा है, एक दो कंपनी से होगा वो हो भी जाए कोई इशू हो गया, इसको कहते हैं, जिस सारे प्रोसेस को कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग। ऐसे ही प्रोडक्ट को हंट करते जाए, सर्च करते जाए, आपके सामने स्टैट आएगा, एक पहले प्रोडक्ट एक आई थी लॉक था भाई, उसके सिर्फ 3 यूनिट सेल हो रहे हैं, हमने उसको छोड़ दिया, अच्छे प्रोडक्ट नहीं है, फायदा कोई नहीं है उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना, ऐसी प्रोडक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना है जिसके अच्छे यूनिट सेल हो रहे, 1500, 200 ऑनवर्ड्स, ठीक है, तो ऐसे आपने सेलेक्ट कर दिया। इसके और भी टूल तरीके का है कि कैसे हंट करना है वो इंशाल्लाह कल देखें। एक तरीका जो सबसे पहले आपको बता दिया हुआ है वो अपनी लोकल मार्केट है, लोकल मार्केट में जाएं और इजीली आपको प्रोडक्ट आपकी मिल जाएगी, तो वो हमें इसमें डालने की जरूरत तो नहीं है ना, इस तरह से है कि आप क्या करें, आप एक दफा एनालिसिस कर लें, फ्री ऑफ कॉस्ट ही होना है, आप क्या करें, आप लोकल मार्केट में जाते हैं, ये आपको क्रीम मिल जाती है, कॉस्मेटिक की बात करें, टॉय की बात करें तो कोई टॉय मिल जाता है, कोई भी प्रोडक्ट मिलती है उसको दराज सर्च बार में जाकर देख लें, आपके सामने सब कुछ आ जाएगा कि जी वो कितनी प्रोडक्ट सेल हो रही है, ठीक है, अदरवाइज आप जस्ट उठाएं उसे और सेल करना शुरू कर दें, जैसे मैंने दो प्रोडक्ट उठाए। और सब बेस्ट प्रैक्टिस ये है जनाब अली कि आपने एक प्रोडक्ट के ऊपर रिलाय नहीं करना, आप कहें कि मेरे पास पैट है मैं वो सेल करना शुरू कर दूँ, करें जरूर सर, लेकिन उसके ऊपर रिलाय नहीं करना, आप कहते हैं कि मेरे पास चॉइस की प्रोडक्ट है मैं वो सेल करना शुरू कर दूँ, जरूर करें, लेकिन उसके ऊपर रिलाय नहीं करना, हर चीज़ को पकड़ लें जितना तक आप एक्सेस कर सकते हैं ना, हर चीज़ को प्रोडक्ट हंटिंग है, वो प्रोडक्ट हंटिंग आप लोकल जाकर करें, ठीक है।
मैं जा रही हूँ।